और बालकनी जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ दोस्तों, यहाँ से व्यू देखने के लिए। ओह माय गॉड, रूपा रूपा भी कहेगी क्या, कौन से कार्टून आ गया मेलबर्न से। देखो हम कहाँ आ गए हैं, क्या इतना बड़ा, क्या तुम शीशे के क्यों खड़ी हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहुंच गए हैं हम गोल्ड कोस्ट और रूम की कीज ले ली हैं, सब कुछ ले लिया है, गाड़ी पार्क बुक सब कर लिए। अब हमारा टाइम है रूम पर जाने का और आपको दिखाने का कि रूम कैसा है, तो चलो चलते हैं। सो दोस्तों, लेट्स गो टू आवर रूम। यहाँ पर है लिफ्ट और ये है, हम लिफ्ट पे लिफ्ट को बुलाते हैं और अपने रूम्स की तरफ जाते हैं। सो दोस्तों, वी आर वेरी एक्साइटेड। थैंक यू, पहुंच गए हैं हम अपनी लिफ्ट पे। 11th floor। अभी आप एक्साइटेड हो कि हमारे रूम का व्यू और रूम कैसा होगा? एक्साइटेड हो आप? फोन तो सही, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ दोस्तों, 2125 ना दोस्तों, हमें गलती लग गई, 11th फ्लोर पे नहीं, 21 फ्लोर पे है हमारा रूम। यस, वाव यार, इतनी ऊंचाई से, वाव। मेरा 21th floor, 2125 इस साइड है रूम हमारा। जा रहे हैं अपनी रूम की तरफ। 2102 है, 2104 है, 2105 थोड़ा सा ज्यादा दूर है दोस्तों। दोस्तों अब हम जा रहे हैं रूम के अंदर अपने। चल, हमारा रूम यहाँ पर है, मिरर, वॉशरूम, कितना प्यारा है, दिखा देते हैं पहले। तो पहले ना दिखा, पहले सामान अंदर रख, सामान अंदर कर, पहले ही दिखा देते हैं। एक्साइटेड हो रही है, कोई नहीं, दूसरा दूसरे वाला भी रख दो अंदर। यहाँ कोई चोर नहीं है, कोई चोरी नहीं है। और फिर भी एटलीस्ट दरवाजा तो बंद होगा ना। हाँ। कार्ड तुमने, तुम्हारे पास है ना कार्ड? चलो, सामान रखती है, पहले दोस्तों अच्छे से दिखा दो। ये है वॉशरूम दोस्तों, ठीक है, बहुत ही प्यारा है। पहले खुद तो देख लो, तभी तो कमेंट्री दे पाओगी। ये है मिरर, मिरर और इसके अंदर सामान रखने वाला है। वाव, ये क्या है बेबी? वैसे ड्रॉर होगा ना। अच्छा, सामान रखने के लिए प्रेस प्रूफ सब है यहाँ पर। वाव, ये है हमारा रूम, यहाँ पे सब मिरर मिरर लगा हुआ है। ये वाला मिरर टूटा पड़ा है, मिरर ही मिरर है, जहाँ देखो मिरर है। बहुत सुंदर, छोटा सा क्यूट सा मिनी सा, छोटा सा टेबल है, फोन है, छोटा सा सोफा है, बालकनी। और जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ दोस्तों, यहाँ से व्यू देखने के लिए। ओह माय गॉड बेबी, क्या सुंदर व्यू दिख रहा है। और दोस्तों 11th फ्लोर पे नहीं, 21 फ्लोर पे हमारा रूम। यस, आई लव दिस बालकनी। ओह माय गॉड, ओशियन व्यू, ओशियन, यहाँ से पूरा ओशियन दिख रहा है दोस्तों। सुबह दिखाऊंगी मैं आपको, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा हूँ। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है यहाँ से, रोड नीचे गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मन तो नेक्स्ट लेवल हो रहा है बाहर बालकनी में। आई लव द बालकनी। थोड़ा सा ऐसे झांकने में डर लग रहा है क्योंकि 21 फ्लोर है यार, 21st फ्लोर है ये। इस ये जो पूरा होटल है ना, 22 फ्लोर्स का ही है और 21st फ्लोर पे है। 21 फ्लोर पे हम हैं। मस्त ओशियन व्यू रूम है यार, नेक्स्ट लेवल। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। ये पूरा जो है, ये पूरा सुबह दिखाऊंगी आपको, ये पूरा ओशन है दोस्तों। और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, मतलब हम 21st फ्लोर पे है और हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग्स कितनी छोटी है। पर नीचे देखने में ना, अगर मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊं दोस्तों, पार्किंग जो है ये देखो, यहाँ से ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है। और पार्किंग है, गाड़ियां जा रही हैं, पर नीचे थोड़ा सा ऐसे करके देखने में डर सा लग रहा है। और ये वाली जो बिल्डिंग है ना, जहाँ पर ऊपर M लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये, मैरिटन होटल है। किस पे आ रही है? तो ट्रैम पे। अब हम चलते हैं अंदर। 5 minutes। ओह हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया? डॉक व्यू दिखा दिया यार आज आपने मेरे को, जो व्लॉग में दोस्त देख नहीं पा रहे ना, सुबह सुबह दिखाना ना दिन से। चल खड़ी तो हो जा, सुबह दिखाना, सुबह सुबह और अच्छा व्यू आएगा यहाँ पे। सुबह तो यार वो चीज, मैं जो समुंदर का जो शोर सुन पा रही हूँ ना, और मेरे रूह को जो ठंडक दे रहा है। और यार बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, जहाँ नजर मारो लाइटे लाइटे, ज्यादा आगे नहीं जा रही, डर लग रहा है क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग है यार, ये इतनी ऊंची है, नीचे कीड़ियाँ लग रही है, गाड़ियाँ कीड़ियाँ। और जो हमारी सिटी में ऊंची बिल्डिंग है ना, वो है, वो है हमारे से भी ऊंची वाली बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग वो है। चल तुम अभी ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो? यहाँ से जो ओशन दिख रहा है यार, समुंदर की लहर यार, ओशन। उसको ड्रॉप ही करेंगे ना, जहाँ पे भी रहती है वो। हाँ। गाड़ी निकालेंगे अभी। हाँ, उसको ड्रॉप ड्रॉप करके आ जाएंगे। सुनो कितनी चीजें थी उसकी ऊपर? 4 थी, एक और थी, एक मग था ना, मग तुमने रखा था ना। हाँ ये बस गाड़ी में आपको ये चाहिए ना? हाँ, कोई भी एक केबल चाहिए, पर तुम फोन के लिए चाहिए ना?
एप्पल के लिए तो मैं यहीं से चार्ज कर लूंगा, मुझे मेरे चार्जर का चाहिए। आपका चार्जर कोई नहीं, वो दूसरे वाले बैग में, कोई नहीं चल जाएगा। अभी तुम कुछ फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना के लिए, फ्लावर्स क्या करने हैं यहाँ पे रखती है अभी, उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऊपर आएगी ना वो, ये रूपा का गिफ्ट हो गया रेडी, ठीक है। जब वो आएगी ना उसको आंखें बंद करवा के लेके आऊंगी और फिर सरप्राइज। ठीक है, तो कुछ इतना है नहीं, चल कोई नहीं, अच्छा लगेगा, टोकन ऑफ लव फ्रॉम माय, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। करते अच्छा, हमने फ्रेंड्स वाला ले लेना चाहिए हमको वैसे ना, फ्रेंड्स वाला था ही नहीं वहाँ पे, था तो सही कोड लिखा हुआ था। हाँ कोड लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता फ्रेंड्स की फैन है ये, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं हुआ। आई एम दैट 1% दैट आई हैवंट सीन फ्रेंड्स। आ चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है रूपा से मिलकर, और रूपा गोल्ड कोस्ट ही रहती है और वो हमें पूरा गोल्ड कोस्ट 3 दिन में घुमाने वाली है, गोल्ड कोस्ट में धमाल मचाने वाले, धमाल मचाएंगे। और रूपा के लिए मैं छोटा सा सरप्राइज लेकर आई हूँ, ये रूपा के लिए है। थैंक यू। ये क्या भाव गिफ्ट लाते रहते हैं। नहीं तो छोटा सा है, कुछ वो नहीं है, पर ये छोटा सा एक है टोकन ऑफ लव। आपको पता है मेरी कैंडल्स फेवरेट है, है? ये हर लड़की की होती है, मैं ना स्पेशल वो चीज ढूंढ रही थी, मैंने कहा यार कैंडल कहते कैंडल कोई देने की चीज है, मैंने कहा आपको वही तो पता नहीं है, तो दे रही थी लड़कियों को कैंडल्स तो पसंद है। मेरा भी नया घर लिया, मेरे पास कैंडल नहीं है वहाँ पर, ये मेरी पहली कैंडल है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो हरमीत का एक फ्रेंड है कपल साक्षी, उन्होंने भी जब मैं पहली बार उनसे मिलने गई थी ना, उन्होंने मेरे को कैंडल दी थी और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कितना अच्छा लगता ये है, सही है यार कैंडल, फ्रेगनेंस मतलब खत्म तो हो जाती है कैंडल, कैंडल कैसे गिफ्ट होता है। तो लड़की को ज्यादा गिफ्ट करो कैंडल, समझती हूँ क्या क्या आपको अच्छा लगता है, गिफ्ट सजेशंस के लिए यहाँ पे। चलो अब हम जाते हैं बाहर घूमने के लिए, रूपा घुमाएगी, डिनर डिनर करके आते हैं और ये देखो दोस्तों, ये क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसके ऐसे मोमोज ऐसे आएंगे, और इसके आई है मोमोज की सब्जी। ये एंजॉयिंग मोमोज की सब्जी, ऐसा लग रहा है देख लो, गोल्ड कोस्ट के अंदर भी मस्त बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं, काठमांडू रेस्टोरेंट है, कोई नहीं हट जाएगा वो पे। दोस्तों देखो हम कहाँ आ गए हैं, क्या इतना बड़ा, क्या तुम शीशे के क्यों खड़ी हो, सो मीन, कितने खराब हो। क्योंकि मुझे आपकी शक्ल देखनी थी शीशे में। हाँ ये किसको खाने के लिए दौड़ रहे हो आप। दोस्तों देखो यहाँ पर हम आए हैं, बीच में मतलब जा रहे हैं, सर्फर्स पैराडाइज एरिया है और इतना प्यारा लिखा हुआ है, इतना सुंदर, एक अलग ही वाइब है, इतनी प्यारी वाइब है दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊँ। सामने बीच है, समुंदर ही समुंदर है, पूरा ओशन है और पीछे जो है सर्फर्स पैराडाइज लिखा है, इतना मस्त, इतनी सारी शॉप्स हैं, सारी मार्केट्स हैं, सब कुछ खुला हुआ है और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है, मजा आ रहा है। अब फोटोज करवा लेते हैं कुछ। ये देखो दोस्तों बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, और ये देखो दोस्तों बहुत ही छोटी बिल्डिंग है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे अपना ही अपना छोटा भाई समुंदर, और इसका देखो ये बड़ी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग। तुम भाग रही हो, अरे वाह, कहाँ जा रही हो भाग के, चलो अच्छा है, चलो बढ़िया, भला टली। अरे ये तो तुम वापस आ गई। क्यों आ गई वापस, क्या पोज मार रही हो, हाँ क्या हो रहा है इससे। रूपा रूपा भी कहेगी का कौन से कार्टून आ गया मेलबर्न से। अभी थोड़ी देर में पता क्या करेंगे, लोग सोचेंगे यहाँ पे कोई कैप रखी है और दो चार सिक्के डाल के जाएंगे। लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। अच्छा आप जरा ये अपनी वाइन तो डाल लो, जरा कोल्ड ड्रिंक वाली, मतलब अगले होटल वालों ने ग्लास क्या दिया तुम्हें, ये भी है कि वो भी यूज करने क्योंकि पैसे दिए हमने रूम के, कि ग्लास भी क्यों ना यूज करें हम, बता दो। हेलो, ये मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूं विद फ्राइड राइस दोस्तों, टाइम हो चुका है अभी 12:30, 12:30 डेढ़ बज रही है मेलबर्न वाली, हाँ डेढ़ बज रही है, थोड़ी सी पार्टी पुटी करके घर हम आ चुके हैं, घूम फिर लिया है हमने, हाँ आ गए घर दोस्तों, घर आ गए घर, देखो बाहर ओशन है घर, ये नहीं बोल रही होटल आ गए। मोमोज खाया आज रूपा ने हमें, खिलाए स्टीम मोमोज, चिकन मोमोज और वो कौन सा झोल मोमोज, झोल मोमोज ग्रेवी वाले, बहुत मजा आया। अब हम फ्राइड राइस लेके आ गए हैं, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर हम डे को एंड करेंगे। ओके दोस्तों मैं कोई नई डिश बना रही हूँ, ग्लास के अंदर है आइसक्रीम और थोड़ी सी कोक बची है, नई डिश नहीं है, इसको मैगी में मिलती थी इंडिया में पहले, मैंने इन्वेंट कर दी शादी में सबसे पहले, ओ तो जा, मैंने तेरे से पता नहीं कितने साल पहले कर ली थी, कितने साल पहले, तुमने कौन सी क्लास में करी थी बताना, पैदा भी नहीं हुए थे ना आप तब की इन्वेंट करी हुई है, तब से तुम शादी में जा रहे हो, मम्मा भी शादी में गई थी क्या, आपसे एक बड़ा आपसे बड़ी हूं मैं, ठीक है ना, जी करके बात किया करो। अच्छा एक बात तो बता, तुमने मैगी में नहीं खाई है, मैक फ्रैप में मिलती थी वहाँ पे, वो यही होती थी, मैंने नहीं खाई, मैंने खुद इन्वेंट करी है, शादी में खाई थी और भाई को भी खिलाई थी मैंने पहली बार,
दोस्तों मजा आ गया। अभी स्पेशल मीठे की क्रेविंग गुड़ थी, वो नीचे तक गए हैं, 22 फ्लोर से नीचे तक गए हैं स्पेशल आइसक्रीम लेने के लिए। आइसक्रीम लेकर आए हैं, रूपा चली गई अब घर, बच गई है 2। अब हम व्लॉग को तो है यही एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि नींद आ रही है, बस अब हम एंजॉय करेंगे थोड़ा सा और फिर सो जाएंगे। कल मिलेंगे, कल सुबह जल्दी उठ रहे हैं और कल नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो अपना ध्यान रखना दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जरा चैनल को। मिलेंगे कल दोस्तों, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। तेरा क्या फेवरेट नहीं है ये बता? मोमोज तो बेलती है, फ्राइड राइस तो बेलती है, आप नहीं बेलते, मैं ही बेलती हूँ कल।